अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड। आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल से तड़का। देखिए मेरे चना दाल को मैंने देखिए ले लिया, मैंने इसे धो के चार चार पाँच पानी से मैंने धोई, इसे वॉश करके मैंने इसमें डाल लिया है कुकर में। ये देखिए आप मैंने इसे करीबन इसमें मैंने दो एक कप मैंने में से लिया। आप जितने हिसाब से बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये अदरक लहसुन को मैंने इसे काट लिया, पतला पतला को चॉप करके रख लिया। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये तड़का, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर ट्राई करें। मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। और यहाँ यह देखिए मैंने प्याज को भी मैंने चॉप करके रख लिया। मैंने दो बड़े मीडियम प्याज लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें दो टमाटर भी लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सब मसाला ले लिया है, जीरा, धनिया, मिर्च और गुल मिर्च, गरम मसाला और ये हल्दी पाउडर, सब स्क्वैश में ऐड कर देना है। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने इसमें नमक ले रही हूँ एक चम्मच, थोड़ा और ले लेते हैं। आप जितना बनाइए उसी हिसाब से उसमें नमक आप ऐड करिएगा। मैंने चम्मच और ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सरसों तेल ऐड कर रही हूँ अपने हिसाब से। अब मैं इसे तेजपत्ता भी डाल दे रही हूँ। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको पानी डाल दे। मैंने एक कटोरा पानी लिया है और इसमें ले लेते हैं। अब मैं इसमें और पानी ले ली हूँ। अब हिसाब से पानी इसमें ऐड करके अब इसे आप चढ़ा के कम से कम इसे आप 10-15 मिनट आप मतलब इसमें दो चार सीटी मारने से आप उससे उतार लीजिए। अब देर एक बार आप जब बीच में एक बार आप इसे एकदम चेक कर लें, उसके बाद आपका तड़का तैयार हो जाएगा। इसको फिर आपको बताऊँगी मैं आगे का प्रोसेस। हाँ फ्रेंड, देखिए मैंने इसको चढ़ा दिया है। देखिए कितना अच्छा कलर भी लग रहा है फ्रेंड। ये मैंने आपको अपने तरीके से बताया है। अगर आपको मेरे देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये मेरा दाल देखिए पूरा अच्छी तरीके से गल चुका है। बस इसे अब इसको हमको छोंक चम्मच के लगभग। अब देखिए मैं इसे जीरा ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच के लगभग। और हाँ, ये मैंने देखिए थोड़ा सा हींग लिया है, इसे भी ऐड कर देना है। अब मैं इसी में देखिए मैंने प्याज लिया है। अब ये मैंने दो मिर्च लिया है। अब मैं देखिए प्याज में ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा मखाना डाल रही हूँ, ये भी इसमें थोड़ा भुन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें दाल डाल देंगे। हाँ फिर देखिए मखाना भुन चुका है, प्याज भी अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें जो दाल बनाया था इसमें ऐड कर दूँगी। हाँ देखिए फ्रेंड, मैंने इसे जो बनाया था दाल देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। आइए देखिए मेरा मखाना इसमें कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है फ्रेंड्स तो देखिए मैंने इसमें सब तो डाल दिया। मैं इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। हाँ फिर देखिए मैंने डाल दिया धनिया पत्ता भी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा। ये मैंने तड़का बनाया है मखाना डाल के, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे जरूर बताएं। हाँ फिर देखिए मेरे चना दाल और मखाना मैंने तड़का बना लिया है। ऐसा तड़का आपने बहुत खाएंगे फ्रेंड्स, तड़का तो बहुत कुछ दाल का बनता है, मूंग दाल का जिसका भी बना, मगर मैंने आज आपको चना दाल से बताया है। ये डिश बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये रेसिपी एक बार आप जरूर अपने घर में ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।